नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सबसे खास प्रोग्राम खेल अड्डा में, जहां हम आपको खिलाड़ी से लेकर मैदान तक की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेल अड्डा में खबरों की। और खेल अड्डा में पहली खबर बेहद पॉजिटिव और स्पेशली माही के फैंस के लिए बहुत खास है। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया का एक ऐसा कमाल कप्तान जिसने तीनों ICC ट्रॉफी अपने नाम की, जो फर्श से उठकर अर्श तक पहुंचा, जो आज बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल है, सफलता की एक जीती जागती मिसाल। कैसे आप मेहनत करके, परिश्रम करके जीवन में हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं, और इसी वजह से, क्योंकि वो एक आदर्श है, और इसी वजह से ऐसे आदर्श के बारे में किताबों में भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो खबर आ रही है माही के फैंस के लिए, बड़ी अच्छी खबर है और पॉजिटिव खबर है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में अब पढ़ाया जाएगा, बकायदा किताब में हर चैप्टर पर माही की तस्वीर लगी है। तो क्या है पूरी खबर, कहां पढ़ाया जा रहा है धोनी की जीवनी, बताएंगे इस रिपोर्ट में। महेंद्र सिंह धोनी, संघर्ष से शून्य से सफलता तक का सफर पहुंचने की ऐसी मिसाल जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि वो एक आदर्श भी हैं। वो क्रिकेट की पूरी किताब है, एक ऐसी किताब जिसे हर क्रिकेट प्रेमी पढ़ना चाहता है। शायद इसलिए धोनी की जीवनी को अब बिल्कुल स्कूल की किताबों में शामिल कर लिया गया है। साल 2007 से लेकर 2016 तक भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले, टीम इंडिया की झोली में दो दो विश्व कप डालने वाले माही की सफलता की कहानी को क्लासरूम में बकायदा चैप्टर के तौर पर पढ़ाया जा रहा है। महेंद्र सिंह धोनी जिस चैप्टर को स्कूली किताबों में पढ़ाया जा रहा है, उस चैप्टर के पन्ने के इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है। वायरल हो रहे किताब के पन्नों में देखा जा सकता है कि धोनी की जीवनी को यहाँ दिखाया गया है कि कैसे रांची से निकलकर एक लड़का क्रिकेट का चमकता सितारा बन गया। चैप्टर में ये भी बताया गया कि कैसे माही ने संघर्ष किया और जीवन में आगे बढ़े। इसके अलावा आपको बता दें कि माही की जिंदगी पर फिल्म और सीरीज भी बन चुकी है। साल 2016 में निर्देशक नीरज पांडे ने MS धोनी के जीवनी पर एक बॉलीवुड फीचर फिल्म बनाई थी जिसका टाइटल MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी है, जिसमें उनके बचपन से लेकर 2011 क्रिकेट विश्व कप तक के सफर को दिखाया गया था। साथ ही हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज भी लॉन्च हुई थी, द रोर ऑफ द लायन। इसमें इंडियन प्रीमियर लीग में धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ बिताए समय को फिल्माया गया था। टोक्यो ओलंपिक्स के सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को 5-2 से हार का सामना करना पड़ा, और इसके बाद टीम इंडिया की फाइनल की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। हालांकि अभी टीम इंडिया के पास एक मौका जरूर है और वो ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती है। आपको बता दें कि वैसे तो देश इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बना। मंगलवार सुबह टीवी सेट, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स पर इस मुकाबले को पल पल देखा गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुबह से ही इस मुकाबले पर नजर बनाए हुए थे। भारत की हार के बाद पीएम मोदी ने कहा, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है, हमारी पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। टीम को अगले मैच और उसके भविष्य के प्रवासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर बहुत गर्व है। तो पीएम मोदी ने अब भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि हार जीत तो जीवन का एक हिस्सा है। वहीं आपको बता दें कि अब भी ब्रॉन्ज मेडल की उम्मीदें जो है वो बरकरार हैं, क्योंकि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें हॉकी टीम पर टिकी हुई हैं। और अगर भारतीय टीम अपना अगला मैच जीतने में सफल रहती है तो पदक के लिए 41 साल का लंबा इंतजार जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम अंतिम ओलंपिक पद 1980 में मास्को में जीती थी, जहां उसे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। और इसमें तो कोई शंका नहीं कि भारत की हॉकी टीम ओलंपिक में अब तक की सबसे सफल टीम है, जिसमें ओलंपिक्स में अब तक कुल 11 मेडल जीत चुके हैं। जी हाँ, ओलंपिक्स में कुल अब तक 11 मेडल जीत चुकी है भारतीय हॉकी टीम। और सबसे खास बात यह है कि इसमें 8 स्वर्ण पदक भी शामिल है। भारत 1928, 1932, 1936, 48, 52, 56, 64 और 80 में खेलों में चैंपियन के रूप में उभरा और गोल्ड पर अपना कब्जा भी जमाया। 1960 रोम में टीम के को सिल्वर, 1968 मॉस्को सिटी और 1972 म्यूनिक ओलंपिक्स में इसे ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था। इसके बाद किसी भी ओलंपिक्स में भारतीय टीम को मेडल जीतने में सफलता नहीं मिल पाई। और अगर भारत ये मैच जीत लेता है
तो न केवल मेडल पक्का हो जाएगा बल्कि मॉस्को ओलंपिक के बाद 11 साल का लंबा इंतजार भी खत्म हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई पारी में श्रीलंका की टीम ने जीत दर्ज की। श्रीलंका अभी जीत का जश्न मना ही रही थी तब तक उसके 3 खिलाड़ियों पर बैन लगाया गया और करोड़ों रुपए जुर्माना भी लगाया गया। आखिर क्या किया था इन 3 खिलाड़ियों ने कि इन पर जुर्माना लगा, आखिर क्या किया था इन 3 खिलाड़ियों ने कि इन्हें इस सजा का भुगतान करना पड़ा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्या गलती की थी और क्यों इन्हें ये सजा मिली। श्रीलंका क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज जीतने के अगले दिन ही अपने 3 खिलाड़ियों पर बड़ी कार्रवाई की है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 3 खिलाड़ियों को 1 साल के लिए बैन कर दिया है। कुसल मेंडिस, निरोशन डिकवेला और धनुष्का को इंग्लैंड में बायोबल तोड़ने का दोषी पाया गया, जिसके बाद इन तीनों क्रिकेटरों पर 1 साल का बैन लगा है। अब ये तीनों खिलाड़ी 1 साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और साथ ही मेंडिस, डिकवेला और गुणलतिका 6 महीने के लिए घरेलू क्रिकेट में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और इसके अलावा तीनों खिलाड़ियों पर 10 मिलियन श्रीलंकाई रुपए यानी कि तकरीबन 38 लाख भारतीय रुपए का जुर्माना भी लगा है। कुसल मेंडिस, निरोशन डिकवेला और गुणलतिका बायोबल तोड़ने के दोषी पाए गए थे। ये तीनों ही खिलाड़ी बायोबल तोड़कर डरहम की सड़कों पर घूमते दिखाई दिए थे। किसी फैन ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, तब जाकर श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने इसका पता लगाया। इसके बाद तीनों ही खिलाड़ियों को इंग्लैंड से तुरंत वापस श्रीलंका बुला लिया गया और भारत के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज से भी इन्हें बाहर कर दिया गया। अब श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने तीनों ही खिलाड़ियों पर कड़ी कार्रवाई की है। मौजूदा श्रीलंकाई टीम में ये तीनों ही खिलाड़ी काफी सीनियर थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने बायोबल तोड़कर इंग्लैंड और अपनी टीम के खिलाड़ियों की जान खतरे में डाल दी और जिसके बाद श्रीलंकाई क्रिकेट मैनेजमेंट ने इन पर 1 साल का बैन लगाया है। इस कार्रवाई के साथ ही अब ये तीनों खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। वैसे कुसल मेंडिस, डिकवेला और गुणलतिका के बगैर ही श्रीलंकाई टीम ने भारत के खिलाफ T20 सीरीज जीती और अंतिम T20 में 7 विकेट से जीत हासिल कर उसने सीरीज को 2-1 से अपना नाम कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज आजम खान के क्रिकेट करियर पर लग गया है एक बॉल की वजह से ब्रेक। सुनकर भले ही आपको हैरानी हुई हो, लेकिन ये 100% सच है। आजम खान के करियर पर लगा ये ब्रेक टेम्पररी है या परमानेंट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि आजम खान की इस चोट की वजह से वेस्टइंडीज में जारी पाकिस्तान की T20 सीरीज अब खतरे में पड़ गई है। लेकिन जो आजम खान के करियर पर लग गया है ब्रेक, बताएंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया टीम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वेस्टइंडीज दौरे पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम युवा बल्लेबाज आजम खान को सर पर चोट लगने के चलते दूसरे और तीसरे T20 मैच के लिए बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच 4 T20 मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है, जिसका पहला मैच बारिश के कारण भूल गया और दूसरे T20 मैच का आयोजन आज होने वाला है। लेकिन उससे पहले आजम खान को चोट के कारण टीम से बाहर कर दिया गया है। जी हां, आजम खान को ट्रेनिंग सेशन के दौरान एक तेज गेंदबाज की बाउंसर गेंद से सर पर चोट लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। क्रिकेट पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार आजम खान न्यूरोसर्जन की देखरेख में अगले 24 घंटों तक रहेंगे। उनकी चोट को देखते हुए उन्हें T20 सीरीज के आखिरी मैच में शामिल होने का फैसला किया जा सकता है। वहीं ESPN क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक प्रैक्टिस के दौरान आजम खान को एक तेज गेंदबाज की बाउंसर गेंद सर पर लगी थी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने इस दौरान हेलमेट पहना हुआ था और गेंद लगने के बाद भी वो होश में थे। वहीं पाकिस्तान टीम की डॉक्टर रियाज अहमद हॉस्पिटल में आजम खान के साथ गए और उनका सिटी स्कैन करवाया। पाकिस्तान टीम के कोच मिजाब उल हक ने आजम खान का बचाव करते हुए विश्वास जताया कि अगर ईमानदारी से बात करें तो हमें किसी भी खिलाड़ी को 1 या 2 मैच के ऊपर आंकना नहीं चाहिए। जब कोई खिलाड़ी ज्यादा मैच खेलता है तभी हमें पता चलता है कि ये खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है भी या नहीं।
जब आप नंबर 5 या 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और आपको 12 से 14 रन रेट का बनाना पड़ता हो, तो किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए अपनी काबिलियत दर्शाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए मुझे लगता है कि आगामी वेस्ट इंडीज दौरे के बाद ही हमें आजम खान की काबिलियत पर जरूर पता चल जाएगा। IPL पार्ट 2 की शुरुआत होगी 19 सितंबर से और सारे के सारे मैचेस जो है वो UAE में खेले जाएंगे, लेकिन IPL पार्ट 2 से पहले RCB की टीम को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल RCB के सबसे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी हो सकते हैं IPL पार्ट 2 से बाहर। जी हाँ, क्योंकि नवदीप सैनी को दूसरे T20 मैच में गंभीर चोट लगी थी और उनकी ये चोट कितनी गंभीर है ये तो BCCI स्कैन कराएगा, फिर बता चलेगा कि नवदीप IPL 2 खेल पाएंगे या नहीं। फिलहाल देखिए हमारी ये रिपोर्ट। RCB के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी का IPL 2020 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना शायद मुश्किल है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में उनका दाहिने हाथ का अंगूठा चोटिल हो गया था। ये भी गौर करने की बात है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी जाने वाली टीम में सैनी का चयन हो चुका है। उनके खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की चिकित्सा टीम की मंजूरी की जरूरत होगी। आपको बता दें कि ये चिकित्सा टीम सभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों पर नजर रखती है। वहीं चेन्नई के खिलाफ मैच के 18वें ओवर में उनके दाहिने हाथ के अंगूठे में चोट लगी थी, वो उसी समय मैदान से बाहर चले गए थे और उनको एक सर्जन ने उनकी चोट पर करीब 5 टाके लगाए। टीम के फिजियो इवान्स पिछले ने मैच के बाद RCB टीम से कहा, आखिरी ओवर में गेंद पर चोट लगने के कारण सैनी का अंगूठा फट गया है, उन्हें दाहिने अंगूठे पर चोट लगी है। हमारे पास एक अच्छे सर्जन थे जिन्होंने उन्हें कुछ टांके लगाए हैं और लगभग उन्हें 5 टांके लगे हैं। वहीं फिजियो ने कहा, ऐसे में हम आज रात उनकी निगरानी करेंगे और जाँच करेंगे कि क्या वो अगले मैच के लिए तैयार हो सकते हैं या नहीं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद है कि वो अगला मैच जरूर खेलेंगे। स्पीचले ने कहा, सैनी को चोट उसी हाथ में लगी है जिससे वो गेंदबाजी करते हैं, इससे चोट पर काफी दबाव बनेगा और वो कब तक फिट होंगे इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि वो अगले मैच के साथ टूर्नामेंट में बाकी मैचों में खेल सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सैनी की चोट वैसी ही है जैसा RCB कप्तान विराट कोहली को 2016 में लगी थी। उन्होंने कहा, विराट के साथ 4-5 साल पहले कोलकाता में ऐसा हुआ था, तब हम उनके खून के बवाह को रोकने में सफल रहे थे और उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 111 रन बनाकर शतक भी लगाया था, लेकिन आप दो चोट की तुलना नहीं कर सकते। आपको बता दें कि सैनी इस सत्र में RCB के मुख्य गेंदबाज हैं जिन्होंने 7.95 प्रति ओवर के हिसाब से रन दिए हैं। RCB की टीम दिल्ली के कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बाद 14 अंक के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं कोहली की टीम को बाकी बचे मैचों में मुंबई सनराइज हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलना है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और साथ ही भारत के क्वार्टर फाइनल में 3 बार के ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया है। आपको बता दें कि भारत के लिए एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर किया और अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना 4 अगस्त को यानी कि कल अर्जेंटीना के साथ होगा। वहीं अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को हराकर 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 1980 में विंगिस हॉकी टीम ने पहली बार हिस्सा लिया था, तब हालांकि सेमीफाइनल फॉर्मेट नहीं था। उस वक्त ग्रुप स्टेज के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट वाली 2 टीमें सीधे फाइनल में खेलती थी। भारतीय टीम तब 6 टीमों के पूल में 4th स्थान पर रही थी। इसके बाद 2016 रियो ओलंपिक्स में टीम इंडिया 12वें स्थान पर रही थी। इस जीत ने सुनिश्चित कर दिया कि हॉकी में भारत का गोल्ड एरा लौट रहा है। भारत को लगातार 2 दिन में इस इवेंट में 2 खुशियां मिली। रविवार को पुरुष हॉकी टीम ने 49 साल बाद ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची। उसने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया था और अब महिला टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाकर ये खुशी डबल कर दी है। महिला टीम ने ग्रुप स्टेज में शुरुआती 3 मैच हारने के बाद गजब की वापसी की और पिछले 3 मैच में आयरलैंड, साउथ अफ्रीका और अब ऑस्ट्रेलिया को हराया।
पहले क्वार्टर फाइनल से ही दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। वहीं पहले क्वार्टर में दोनों ही टीमों ने गोल करने का एक एक मौका गवाया और मैच के दूसरे ही मिनट में ऑस्ट्रेलिया के फॉरवर्ड खिलाड़ी भारतीय गोल पर अटैक किया। हालांकि भारतीय डिफेंस के आगे उनकी नहीं चली। भारत ने खेल के 9वें मिनट में गोल करने का मौका बनाया था, लेकिन रानी रामपाल चूक गई। वंदना कतिया के पास रानी ने स्ट्रोक लिया, लेकिन बॉल गोलपोस्ट में जाकर लगी। साथ ही भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में कमाल की हॉकी खेली। वहीं तीसरे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार खेल दिखाया। उसे इस क्वार्टर में दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, हालांकि वो गोल करने में नाकाम रहे। आखिरी दो क्वार्टर में ऑस्ट्रेलियाई टीम डोमेस्टिक होकर थी। टीम के पास गोल करने के कई मौके थे, लेकिन टीम भारतीय डिफेंस को हरा नहीं पाई। भारतीय महिला टीम को पूल ए में नीदरलैंड्स, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ रखा गया। वहीं ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, जापान, चीन और स्पेन की टीमें शामिल थी। दोनों ग्रुप से टॉप फोर की टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची। भारत अपने ग्रुप में 2 जीत और 3 हार के साथ चौथे स्थान पर रहा था। टोक्यो में भारतीय महिला की टीम अभिनय नीदरलैंड, जर्मनी और डिफेंसिंग चैंपियन ब्रिटेन से लगातार 3 मैचों में हार से शुरू हुआ। हालांकि टीम ने शानदार वापसी करते हुए अपने से ऊपर रैंकिंग वाली आयरलैंड टीम को 1-0 से हरा दिया। इसके बाद साउथ अफ्रीका को 4-3 से शिकस्त दी। भारत की क्वार्टर फाइनल में पोजिशनल पूल ए के आखिरी मैच में आयरलैंड को 2-0 से हराने के बाद ये जीत तय हुई। ओलंपिक में आज विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शाहबाबाद की बेटी ही नहीं बल्कि पूरे देश की बेटियां लड़ रही हैं और देश की इन बेटियों के साथ भारत के हर नागरिक की दुआ खेल रही थी। इसलिए मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया को मिले 12 पेनल्टी कॉर्नर को भी रोकने में बेटियां सफल रही। यहाँ तक कि टीम की एक खिलाड़ी नवजोत कौर के पिता की तो हार्ट बीट बढ़ जाने के चलते डॉक्टर तक को बुलाने की नौबत आ गई। अब इस तरह की ऊर्जा लगाने के बाद उम्मीद है कि कल के मैच में बेटियां प्रदर्शन जरूर अच्छा करेंगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल मैच जीत लेने के बाद जब नवजोत कौर के घर वालों से बात की गई तो पता चला कि उनके पिता सतनाम सिंह सुबह से ही टीवी के आगे बैठे हुए थे। मैच के आखिरी 3 मिनट बड़ी दिक्कत से बीते। जब ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला तो सतनाम सिंह की हार्ट बीट काफी बढ़ गई। उन्हें लगा कि अब मैच हाथ से निकल चुका है और एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम चैंपियनशिप की ओर आगे बढ़ गई है। हार्ट बीट बढ़ने के बाद सनातन सिंह ने टीवी बंद कर दिया और डॉक्टर को बुलाया गया। जब तक डॉक्टर आए टीम इंडिया मैच जीत चुकी थी और सनातन की हार्ट बीट नॉर्मल हो चुकी थी। वो फोन को हाथ में लिए बेटी की कॉल का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय के बाद नवजोत की कॉल आ गई। नवजोत खूब हंसी और सनातन सिंह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और बाद में बात करने को बोला। ज्यादा शोर होने के कारण बात ठीक से नहीं हो पाई। आखिर डॉक्टर बिना चेकअप ही लौट आए। ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली महिला हॉकी टीम की कप्तान रामी रामपाल के साथ 3 खिलाड़ियां हरियाणा के शाहबाद से है। वहीं कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद मरकंडा को हरियाणा का संसारपुर कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि संसारपुर पंजाब में है और हॉकी के लिए ये काफी मशहूर है। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। टीम की जीत के बाद शाहबाबाद समेत पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। कहीं ढोल बजाए गए तो कहीं मिठाइयां बांटी गई तो कहीं पटाखे भी जलाए गए। साथ ही टीम के प्रशंसकों ने कहा विश्व चैंपियन टीम को हराना गोल्ड जीतने के बराबर है। अब टीम गोल्ड लाने के लिए मजबूत हो गई है। बता दें कि शाहबाद मरकंडा से ताल्लुक रखती रानी रामपाल ने 6 साल की उम्र से हॉकी खेलना शुरू किया था और आज वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है और उनकी कप्तानी में टीम अपनी एक वैश्विक पहचान बना रही है। और यहाँ से भारत को महिला टीम की पूर्व कप्तान रितु रानी, रजनी वाला, नवनीत कौर, ड्रैग फ्लिप संदीप सिंह और संदीप कौर जैसे मशहूर हॉकी खिलाड़ी मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद रानी रामपाल का सफर काफी मुश्किल रहा है। बता दें कि जब वरिष्ठ भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए रानी का चयन हुआ तब वो सिर्फ 14 साल की थी और उस टाइम वो टीम की सबसे युवा खिलाड़ी थी। लंबे समय से हरियाणा की एक मजदूर की मेहनती बेटी हर साल अपने बेहतरीन खेल से देश के लोगों का दिल जीत रही है। वो अक्सर बताती है कि मैं ऐसी जगह पली बड़ी हूँ जहाँ महिलाओं और लड़कियों को घर की 4 दीवारी में रखा जाता है, इसलिए जब मैं हॉकी खेलने की इच्छा जाहिर की तो मेरे माता पिता और रिश्तेदारों ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरे माता पिता बहुत छोटी जगह से हैं
और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। उन्हें लगता है कि स्पोर्ट्स में करियर नहीं बन सकता और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही मेरे रिश्तेदार भी मेरे माता पिता को ताने देते थे, ये हॉकी खेल कर आखिर क्या कर लेगी, बस छोटी छोटी स्कर्ट पहन के मैदान में दौड़ेगी और घर का इज्जत खराब करेगी। वहीं 26 साल की नवजोत कौर का जन्म 7 मार्च 1995 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ था और उनके पिता पेशे से मैकेनिक हैं और माँ घर का काम देखती हैं। नवजोत कौर का बचपन से सपना था कोई बड़ा मुकाम हासिल करना। उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा प्राप्त की और शाहबाद में बलदेव सिंह की एकेडमी में हॉकी के लिए प्रशिक्षण लिया। अंडर 19 लेवल पर अपने पहले टूर्नामेंट में ही उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए हॉकी के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा भी लिया है। वहीं तीसरी होनहार खिलाड़ी नवनीत कौर, जो कि हिसार से है, कभी हिसार को स्टेट चैंपियन बनाने में अपना अहम रोल अदा करने वाली नवनीत कौर ने टोक्यो ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है। हाल ही में आयरलैंड में हुए हॉकी मुकाबले में मैच के अंतिम क्वार्टर में गोल कर देश को ओलंपिक में बने रहने की उम्मीदें जगाई। इसके बाद रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम सेमीफाइनल में भी पहुंच गई। टोक्यो ओलंपिक से सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया को 5-2 से हार का सामना भी करना पड़ा। इसके बाद टीम इंडिया की फाइनल की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि अब भी टीम इंडिया के पास एक मौका और है, वो ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती है। देश के इतिहास के मुकाबले ये गवाह बन सकती है। खेल अड्डा के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।